व्हेन यू आर टैपिंग हियर हाइपोथैलेमस ग्लैंड की अभी बात हुई थी हमारी, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है, जब आप यहाँ पे उसको हल्के हल्के हाथ से टैपिंग कर रहे थे, इट वॉज रिलीजिंग मल्टी मिलियन ऑफ फ्रेश हार्मोन्स। सो आप जब यहाँ पे टैपिंग करते हो डेली सुबह उठ के, सिर्फ एक मिनट हल्की हल्की टैपिंग करनी है, जब आप हाइपोथैलेमस ग्लैंड को अपने कंट्रोल में ले लेते हो तो पूरा दिन आप अपने अनुसार चल सकते हो, वरना वो आपको चलाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि व्हेन यू डू टैपिंग एग्जैक्टली कान के बराबर ऊपर, कान से सीधा जाएंगे, सेंटर फिंगर जहां मिल रही है, स्लोली कम डाउन, सी द सेंटर पॉइंट, कैन यू सी द सेंटर पॉइंट, जहां पे ब्राह्मण की चोटी शुरू होती है, वहां पे आपको करना है ये टैपिंग एक्सरसाइज। जब आप ये टैपिंग करते हो आपकी मेमोरी पावर शार्प हो जाती है, एनी काइंड ऑफ मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फोकस ऑफ माइंड, डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, ये सब प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती है जब आप हल्के हल्के यहाँ टैपिंग करते हो। आपने जब यहाँ पे टैपिंग किया आपका साइनस, माइग्रेन, हेडेक आपका खत्म होता है, बहुत ही आराम आ जाता है जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हो। उसके बाद आपने अपने चीक्स पे किया, दिस विल ग्लो द फेस, दिस विल ग्लो द फेस। उसके बाद आपने किया टैपिंग ऑन द नेक एरिया, नेक में कहीं पे भी थायराइड की कोई भी प्रॉब्लम है आपको, लेट इट बी हाइपो, लेट इट बी हाइपर, आप जब यहाँ पे करते हो टैपिंग, आपका थायराइड ग्लैंड एकदम ही नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपने शोल्डर पे एंड अपने थाइस पे टैपिंग किया, वन टू, वन टू, सर्वाइकल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थी आपकी, आप जब यहाँ टैपिंग करते हो आपकी सर्वाइकल प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। एंड व्हेन यू आर टैपिंग हियर, जब आप थाइस पे मारते हो तो आपके थाइस में जो सर्कुलेशन की कमी थी, व्हेन देयर वाज सम काइंड ऑफ स्मॉल स्मॉल क्लॉट्स होते हैं, ब्लड क्लॉट्स होते हैं जो हमको नहीं मालूम होते हैं, वेरिकोस वेन्स में जो भी पेशेंट को है दे नो वेरी वेल कि यहाँ पे सांप की तरह चलते हैं सारे वेन्स, दिखते हैं उनको। तो व्हेन यू आर टैपिंग हियर तो सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है और बॉडी का पेन, जॉइंट पेन, नी पेन, जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हैं आपका नी पेन, जॉइंट पेन, सियाटिक पेन खत्म हो जाता है। तो यू हैव टू डू इन अ